प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हम तो यही कहेंगे कि हमारे आज के मेहमान हैं सुधीर दलवी, लेकिन लोग इन्हें बाबा के नाम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि इनकी पहली फिल्म थी शिरडी के साईं बाबा। सुधीर जी, आपने पहली फिल्म में एक धार्मिक रूहानी हस्ती का रोल अदा किया, और जब कोई आर्टिस्ट ऐसा करता है तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे किसी दूसरे रूप में, दूसरे किरदार में एक्सेप्ट करना। आप पर क्या बीती? बिल्कुल जैसे आपने कहा, बाबा की फिल्म रिलीज होने के बाद एक जबरदस्त इमेज बनी और लोगों के दिलो दिमाग में ये इमेज छा गई। उसमें कुछ निर्माता निर्देशक भी थे, हर कोई हर जगह मुझे बाबा जी के नाम से पुकारता था और तारीफ करता था। अच्छा, एक मजे का किस्सा याद आ गया। मशहूर निर्माता और निर्देशक श्री मोहन कुमार जी को मिलने का इत्तेफाक हुआ जी फिल्म रिलीज के बाद। अच्छा। तो उन्होंने मिलते ही नमस्कार वगैरह किया और कहा, सुधीर जी, हमने आपकी फिल्म देखी और अब फिल्मों में काम करना छोड़ दीजिए। अरे, ये तारीफ का कुछ नया अंदाज था क्या? तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने पूछा भी, क्यों? तो बोले, बाबा के रोल में जो आपने अदाकारी की है वो अदाकारी की परिसीमा है, क्या इसके आगे कुछ आप कर पाएंगे? अच्छा। तो मैंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ऐसे ही सब निर्माता और निर्देशक सोचने लगेंगे तो मन ही मन में बड़ा दुख हुआ कि मुझे मेरा मनचाहा काम छोड़ देना पड़ेगा। एक्टिंग ही नहीं करने को मिलेगी। लेकिन जहाँ इस बात से मन को दुख हुआ जी, इतनी शानदार परफॉर्मेंस देने पे तसल्ली और खुशी भी तो बहुत मिली होगी जब दर्शकों के दिलों में अपने लिए इतनी श्रद्धा पाते होंगे आप तो। हाँ बिल्कुल, ये रोल जब मुझे मिला तो मैंने काफी मेहनत की थी और लोगों के दिलो दिमाग में जो बाबा की प्रतिमा है, जो इमेज है और जो संदेश बाबा देना चाहते थे, वो संदेश मैं लोगों तक बखूबी पहुंचा पाया, इसकी बड़ी खुशी हुई और एक बहुत जबरदस्त तसल्ली भी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक जमाना वो था जब त्रिलोक कपूर जी और निरूपा जी ने बहुत ज्यादा शिव और पार्वती के रोल किए थे जी। तो वो कहीं चले जाते थे तो लोग सचमुच श्रद्धा से उनको देख के हाथ जोड़ लेते थे। आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ? आलम यही है, यहाँ भी यही आलम है। जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग कोशिश करते हैं लेकिन मैं हटा देता हूँ। आजकल तो मैं अभी बहुत तंग आ गया हूँ, लोगों से कहता हूँ कि भाई मुझे सुधीर दलवी के नाम से पुकारा करो। अच्छा। बाबा के नाम से मत पुकारा करो। अच्छा, तो ये बात तो आपने बताई फिल्म के बाद की जी। फिल्म से पहले की बीती क्या है? फिल्म के पहले नहीं, उसके पहले एक किस्सा मुझे और मैं कहना चाहूंगा जी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे केसनन गांव, जो पूना से नजदीक है, और वहां पे एक भीख मांगने का सीन है। बाबा पांच घरों में भिक्षा मांगते थे जी। वहां पे मैं बाबा के लिबास में और बाबा का पूरा गेटअप करके मैं ऐसे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे ऐसे भीख मांगते हुए जा रहा था। दूर से एक बुढ़िया मुझे देख के मेरे तरफ आई और कहने लगी कि बाबा तुम फिर आ गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैंने आजू बाजू के लोगों को पूछा, मैंने कहा भाई कौन है? बोले, इस गांव में बाबा आ चुके हैं पहले। अच्छा। और इस औरत ने बाबा को भिक्षा दी थी उन दिनों भी। अच्छा, मतलब बहुत ही बूढ़ी थी। बिल्कुल वैसे ही लग रहा होऊंगा, तभी तो उसे ऐसे लगा ना। बाबा बाबा माँ माँ बाबा। हाँ बाईजा, माँ बहुत बीमार है ना? हाँ। मुझे सुधीर जी ये भी बताएं कि इस फिल्म के आने से पहले आप क्या थे और क्या करते थे? मैं इंटीरियर डेकोरेशन और प्रिंटिंग का बिजनेस करता था और शौकिया शाम को नाटक खेला करता था। थिएटर यूनिट और इप्टा जैसे नाट्य संस्थाओं में मैंने
मेरी शुरू की ट्रेनिंग ली और वहाँ पे थिएटर यूनिट में पंडित सत्यदेव दुबे और इप्टा में श्री ए के हंगल साहब, स्वर्गवासी आर एम सिंह और मेरे परम मित्र स्वर्गवासी संजीव कुमार जिन्हें हम लोग हरी भाई कहते थे जी। इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छा मार्गदर्शन हुआ इन लोगों ने दिया और काफ़ी आगे बढ़ने के लिए इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी बढ़ावा भी दिया इन लोगों ने। अच्छा, अब जैसा कि आपने कहा कि मोहन कुमार जी ने आपकी तारीफ में ये कहा था कि इस फिल्म के बाद अब आप फिल्मों में काम करना छोड़ दें, तो वाकई क्या इस फिल्म के बाद आपको फिल्म में मिलना बंद हो गई? फिल्म में मिलना तो बंद नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि ये इस फिल्म के बाद काफ़ी अरसे के बाद फिल्में मिलना शुरू हुई। दरमियान एक बहुत बड़े निर्माता ने, नाम ले लूँ तो अच्छा ही है, जयम प्रकाश जी ने मुझे मेरी फिल्म देख के मुझे गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए बुलाया, एक मेहमान कलाकार करके जी। अपनापन में एक गाना और छोटे छोटे दो सीन्स थे, सीन्स तो कट गए किसी वजह से बाद में, लेकिन वो गाना आदमी मुसाफिर है आता है जाता है वो करने के लिए बुलाया और बहुत इज्जत दी और बहुत प्यार दिया। अच्छा, लेकिन फिल्म रेगुलर फिल्म मुझे नहीं मिली, रेगुलर मतलब एक अच्छा किरदार जिसे कह सकते हैं वो नहीं मिला, और भी एक निर्माता ने मुझे मेहमान कलाकार करके इस्तेमाल किया। और सबसे पहले मुझे फिल्म मिली गुजराती। अच्छा। हाँ, माउतर करके, उसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर कर रहा था। फिल्म बहुत बढ़िया बनी लेकिन किसी वजूहत से बहुत देर से रिलीज हुई, तारीफ काम की बहुत हुई लेकिन उसके आगे गुजराती फिल्मों में भी आगे नहीं जा सका। अरे आ एज पासा छे कि जेने तने आर्यावर्त नो सम्राट बनावी दीधो ने पांडवों ने 13 वर्ष नो वनवास दीधो। इतनी शानदार फिल्म में टाइटल रोल निभाने के बाद छोटे छोटे रोल करते वक्त कुछ जहनी और रूहानी तकलीफ नहीं हुई आपको? देखिए तबस्सुम जी, रोल कोई भी छोटा नहीं होता, जो भी किरदार मिले उसे बखूबी से निभाना एक अदाकार का फर्ज होता है और उस ढंग से मैं हर किरदार को निभाता है। जैसे अपनापन की ही मिसाल ले लो तो वो छोटा सा गाना था, गाना बहुत फेमस हुआ बाद में जी। लेकिन लोगों ने बहुत ही पसंद किया तो और लोगों ने मुझे भी पसंद किया गाने के अलावा, बोले आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये गेस्ट अपीयरेंस का सिलसिला कब तक जारी रहा? ये तो अभी भी चल रहा है। अच्छा। आजकल मना कर देता हूँ। अच्छा। कि भाई गेस्ट वेस्ट बहुत हो गए। हाँ। गेस्ट में मुझे वेस्ट मत करो। अच्छा। और कुछ और हो तो मुझे बताओ। हाँ। मैं करूँगा, छोटा हो लेकिन अच्छा हो, जिसमें कुछ करने वाली बात हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने ये कहा कि गुजराती फिल्म में आपने लीडिंग रोल किया, मैं ही जानती हूँ सेंट्रल कैरेक्टर। सेंट्रल कैरेक्टर, तो इसके अलावा भी आपने शायद रीजनल फिल्मों में काफी काम किया है? हाँ, मराठी तो मेरी मादरी जबान है, मराठी में तो की फिल्म है, हालांकि बहुत अच्छे किरदार नहीं मिले लेकिन ये था कि जो मिले वो बहुत बखूबी से मैंने निभाए। बाकी तो फिर प्रेक्षक वर्ग जो होते हैं उन्हीं को कहना होता है कि क्या है क्या नहीं। सो हो लेकिन काम तो सांगा। माझ्या फॅक्टरीतला माल पोहोचवायचा सांगितलेल्या ठिकाणी। बस ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। उसके अलावा पंजाबी भी की मैंने फिल्में। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी भाषाओं की फिल्मों में आपने काम तो कर लिया लेकिन कैसे, क्योंकि है तो बड़ा मुश्किल काम। भाई भाषा जहां तक मैं समझता हूँ एक अदाकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कई अदाकार हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में काम किया है, तो जैसे भी कोई आता था मैं हाँ बोल देता था और अभ्यास शुरू कर देता था। नहीं तो मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि वो अभ्यास नहीं, गुजराती और पंजाबी तो मुश्किल है नहीं, क्योंकि गुजराती बम्बई में आम तौर से चलती है जी। और जैसे मैंने कहा कि मेरे परम मित्र संजीव कुमार तो वो गुजराती में बोलते थे तो हम भी गुजराती में शुरू हो जाते थे और बाकी भी और सारे मित्र थे गुजराती के।
लेकिन पंजाबी कंडीशन, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में तो पंजाबी चलती है, तो वो सुन-सुन के काफी कुछ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस की रीजनल फिल्मों में काम किया जो भाषाएं आपको आती थी। हाँ, उसके अलावा मैंने और एक फिल्म की, लेकिन वो फिल्म यहाँ रिलीज नहीं होगी। मैंने एक बंगाली फिल्म की थी, इट वाज अ बायलिंगुअल, मतलब हिंदी में भी थी और बंगाली में भी। बंगाली भी आपको आती है? नहीं, बंगाली आती नहीं, मैंने डायलॉग डायरेक्टर से सीख सीख के कर लिया था। अच्छा। लेकिन काम अच्छा हो गया था, मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि आपने बंगाली सही नहीं बोली, अच्छी बोली थी। अब मैं ये जान सकती हूँ कि शिरडी के साईं बाबा के बाद हिंदी की ऐसी कौन सी फिल्म थी जिससे लोगों ने आपको थोड़ा जाना और पहचाना? हाँ, जिन्होंने मुझे गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाया था उन्हीं श्री जयम प्रकाश जी ने मुझे एक अहम रोल के लिए, आशा करके उनकी एक फिल्म बनी थी, उसके लिए बुलाया था। अच्छा। उसमें पुजारी बाबा करके एक किरदार था और गिरीश कर्नाड का मैं गॉडफादर बना हूँ उसमें। वो फिल्म से लोग जरा ज्यादा जानने पहचाने लगे, हालांकि ओम जी ने दाढ़ी लगाई थी। अच्छा। क्योंकि इमेज कुछ ऐसी बन गई थी। हाँ। तो दाढ़ी जरूर लगाई, लेकिन उस फिल्म के बाद फिल्में मिलने लगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्माता अगर किसी कलाकार को अपनी फिल्म में लेता है तो जाहिर है कि दूसरे भी सोचने लगते हैं। सच्चा सुख तभी मिलता है जब किसी और की आशा पूरी हो और अपनी आत्मा को संतोष मिले। दीपक, दीपक। हाँ बाबा। बेटे, आज मेरी साधना पूरी हुई, मैं धन्य हो गया। मैं ये जान सकती हूँ कि आपने अपनी इमेज से हट के कभी कुछ किया कि नहीं? किया ना, एक काफी रोल किए, लेकिन कई फिल्में मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स किए और प्रकार के भी किरदार किए, लेकिन कई फिल्में पूरी होकर रिलीज नहीं हो पाई और कई फिल्में अभी तक चल रही है, फ्लोर पे हैं, और एक दो फिल्में रिलीज हुई हैं जिनमें से एक रामदयाल जी की फिल्म की थी कर्मयुद्ध, उसमें पुलिस कमिश्नर का रोल था। अच्छा। जो मुझे काफी शेड्स थे उस किरदार में और मैं अच्छे ढंग से कर पाया, ऐसे मेरे निर्देशक का कहना था। ऐसे तो इमेज का बनना एक खूबी है, लेकिन आपका इमेज एज शिरडी के साईं बाबा इतना पुख्ता और मजबूत बन गया कि लोग उसको दूसरे रूप में देखने ही नहीं पाते। आप इस इमेज को जो नहीं तोड़ पाए हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? पब्लिक रिलेशन की कमी, या कोई सेक्रेटरी वगैरह अच्छा नहीं है जो इस इमेज को धो के नए अच्छे फ्रेश रोल दिलाए? ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक जितने किरदार मुझे मिले हैं उससे हटके कोई किरदार मिलना चाहिए। जी। अभी तक जो मिले वही सैक्रिफाइसिंग, एक तो फादर कैटेगरी में लोगों ने डाल दिया बिकॉज़ ऑफ द ओल्ड इमेज। हाँ। और उसके अलावा जब तक ऑथर बैक कैरेक्टर नहीं मिले, और आप तो जानती हैं कि यहाँ पे कोई भी किरदार मिले वो फिल्म चलने पे आर्टिस्ट चलता है, तो ऐसा कोई किरदार मिलना चाहिए कि जिससे इमेज भी बदली हो जाए, फिल्म चले तो मुझे फायदा होगा। बिल्कुल, यही है। और पब्लिक रिलेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे ऐसे लगता है कि पब्लिक रिलेशन में मैं कहीं कम नहीं हूँ, लेकिन पब्लिसिटी में शायद हो सकता है कि मैं कम पड़ा हूँ। अच्छा। जो कि बहुत ज़रूरी होता है, हालांकि शुरू में काफ़ी लोगों ने, मतलब हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने हमें बढ़ावा दिया, लेकिन वो शायद पूरा नहीं पड़ा, क्योंकि साईं बाबा की ही इतनी बात होती थी, उस इमेज की इतनी बात होती थी कि उसके अलावा कोई और बात कोई करना ही नहीं चाहता था। अब देखिए ना, हम भी उसी के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं ये चाहूंगी कि आपने जो अपने स्टेज का जिक्र किया उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, मैं मेरा बिजनेस मतलब पैसे कमाने का तो एक जरिया था जी, इंटीरियर डेकोरेशन प्रिंटिंग, लेकिन शामें ऐसी ही मतलब वेस्ट हो जाती थी, और शौक था एक्टिंग का तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, एक्टिंग का शौक कैसे हो गया, अपने आप को आईने में देखकर? जी नहीं, हुआ ये कि फिल्में देखने का शौक था
और फिल्में और नाटक देखने के शौक के वजह से कभी कभी ऐसे लगता था कि शायद मैं इन लोगों से बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा। और करते कराते मैं खुद काम करने लगा, आप ही आप, मतलब किसी के सामने नहीं। उसके बाद किसी ने कहा कि एक्टर बनना है तो थिएटर में जाके काम करो, तब जाके बनोगा। अच्छा। एक्टर बनोगे। मैं हालांकि फिल्म इंस्टीट्यूट NSD जाने की कोशिश में था, लेकिन कुछ वजूहत ऐसी थी जिसके वजह से पहुंच नहीं पाया वहां पे। तो जो ट्रेनिंग हुई वो थिएटर में हुई, और इतनी जब तक थिएटर नहीं पहुंचा था कुछ मालूम नहीं था कि इतनी सख्त मेहनत करनी पड़ती है। जी। जब इप्टा में पहुंचा तो कभी कभी तो 8-8, 10-10 घंटे रिहर्सल करनी पड़ती थी, और जब मराठी थिएटर में, मराठी प्रोफेशनल थिएटर में जब बुलाया गया तो वहाँ पहुँचने के बाद तो पता ये लगा कि सुबह 8 बजे से रात के 10-10, 11-11 बजे तक रिहर्सल करनी पड़ती है। तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, मतलब 15-16 साल तो थिएटर मैंने किया ही किया। उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि एक नाटक जो टीवी पे भी बाद में स्टेज परफॉर्मेंस, लेकिन टीवी पे भी बाद में टेलीकास्ट हुआ था, शेर शिवाजी। उस नाटक में किरदार जो मैंने किया था वो मिर्जा राजा जयसिंह का, और उस नाटक को देख के मुझे पांडुरंग दीक्षित, जिन्होंने साई बाबा में म्यूजिक दिया है जी, उन्होंने साई बाबा के रोल के लिए बुला लिया। अच्छा। शुरू में तो मैंने ना कह दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ये मैं करूं तो मेरी ओल्ड इमेज हो जाएगी और आगे चल के मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं घर आया, कुछ अपने बीवी से सलाह मशवरा की, फिर मैंने तय किया कि ये मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैंने कहा इसके ज़रिए मुझे फिल्मों में एंट्री मिल जाएगी। बिल्कुल। उस वक्त तक आप सिर्फ स्टेज किया करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, स्टेज ही कर रहा था। हालांकि एक दो छोटे छोटे फिल्मों में, एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए थे, मतलब कैमरे का आदि था। और फिर मैंने ये रोल ले लिया साईं बाबा का। फिर काफ़ी वक्त था बीच में, साइन हो जाने के बाद करीबन 10 महीने मुझे मिले। अच्छा। तो मैंने सर्वे किया, इसका अभ्यास किया। और उस दौरान में आप स्टेज भी करते रहे, थिएटर भी करते रहे? स्टेज करता रहा, स्टेज करता रहा बाकायदा, मराठी हिंदी दोनों। और क्योंकि पैसे कमाने का वही एक जरिया था मेरे पास उस वक्त। हाँ, लेकिन लोगों का तो ये ख्याल है कि हमारे स्टेज पे लोगों को ज्यादा नहीं मिलता। नहीं, लेकिन मराठी नाटक भी तो खेला करता था प्रोफेशनल, क्योंकि तब तक मैंने वो छोड़ दिया था। साईं बाबा जब मिली उसके पहले मैंने प्रिंटिंग और इंटीरियर डेकोरेशन बंद कर दिया था, ये शुरुआत थी, और बाद में मैंने प्रोफेशनल कर लिया था। दुनिया की कुछ गलत काम भी आपने करने शुरू किए कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है फिल्म के पर्दे पे। किए तो हैं। हाँ। लेकिन अभी तक सही ढंग का किरदार मुझे मिला नहीं, यानी सही तरीके से गलत काम नहीं किए, छोटा बड़ा। अच्छा। और कुछ रीजनल में मैंने किए हैं, वो काफी तारीफ काबिल है, ऐसा लोगों का कहना है, और लोग तारीफ भी करते हैं। उसके अलावा एक फिल्म मैंने की थी केरला में, मलयालम नहीं। हाँ। हिंदी में ही, लेकिन बैकड्रॉप केरला का था। अच्छा। उसमें चिरुथा करके, उसमें बहुत बढ़िया किरदार था, एक जमींदार का रोल मैंने अदा किया था, बहुत अच्छा, मतलब एक मुझे तसल्ली हुई थी वो किरदार करने के बाद। थामरान, ये कोरिन, इसको होना पानी करण बनना। ओना पानीकरण? हाँ थामरन, नौकरी मिली तो शादी करने का थामरन, उसे जहेज देने का। ठीक है, कर्ज मिल जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें। साल में 180 दिन काम करना होगा। सुधीर जी, जैसा कि आपने कहा कि थिएटर के दिनों में आप कई कई घंटे तक रिहर्सल किया करते थे जी। और फिर जाहिर है कि फिल्म भी जब आदमी फिल्म में भी जब एक्टिंग करता है जी। तो उसके रोम रोम में, नस नस में एक्टिंग भर जाती है जी। और कभी कभी लोग ये महसूस करते हैं कि वो ऑफ द स्क्रीन भी एक्टिंग कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, इस बात से आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करता। बाज़ मर्तबा लोगों को लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा सेकंड नेचर भी बन जाता है किसी का, क्योंकि बाज़ जगह तो एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग ना करते हुए भी बाज़ जगह तो बिल्कुल वैसे ही रहना पड़ता है जैसे आप हैं। नेचुरल। नेचुरल मतलब आम जिंदगी में जैसे बिहेव करते हैं, जैसे चलते हैं बोलते हैं, वैसे ही होता है। लोगों की ये गलतफहमी है।
कई लोगों के बारे में मुझे भी लगता था कि ये ऐसे आर्टिफिशियल एक्टिंग कर रहे हैं फिल्मों में, तो पर जब आदमी पर्सनली उनसे मिले और उनको वैसा ही पाया जैसा कि वो फिल्म के पर्दे पे या टीवी के पर्दे पे या स्टेज पे नजर आते हैं, तब लगता है कि ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब मैं आपका धन्यवाद कर दूं? मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं।